बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो फाइनली सेटअप पर मौजूद हैं जी, माशाल्लाह। ये चेक कर लें मुर्गी और ये है दूसरे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी मुर्गियाँ कुछ बेहतर हो गई हैं। वो मुर्गा भी बेहतर हो गया है, वाइट वाला। और एक और गुड न्यूज़ हमारे सेटअप पर ये जा रही है जी, हमारी बच्चों वाली जो मुर्गी है ना, उसने ब्लैक, वो बच्चों जिसके साथ फैंसी, उसने अंडे देने शुरू कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है अभी, काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो चुका है। अभी चल फिर रहा है, खाने पीने वाली कंडीशन तो थोड़ी बहुत है, लेकिन पहले तो खड़ा ही नहीं हो सकता था, अभी चल रहा है। अरे दूसरी जी, अभी सेटअप पर एक बैड न्यूज़ मिली, अभी भी मैंने देखा है, ये चूज़ा नीचे पड़ा हुआ था, मारा हुआ, पता नहीं ऐसा क्या हुआ। सुबह तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, क्या हो गया ऐसे, तो अल्लाह ही बेहतर करे। यह तो ठीक ठाक लग रही है, रहा कि मुर्गियाँ शुर्गियों ने पाँव के नीचे दिया है ना, तब ज़ाया हो गए। वैसे ठीक ठाक था, अभी क्या किया जाए, किया जाए जी। चूज़ों का जितनी ज़िंदगी उतनी ही होगा, बस अल्लाह करे ये बड़े हो जाएं तो काफ़ी अच्छा है। ये मुर्गी कुछ ढीली ढीली लग रही है, देसी इसे देते हैं दवाई, ताकि अगर कुछ भी है भी तो ठीक हो जाए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, वाइट वाले मुर्गे को भी दवाई पिला दी है और रेड वाली मुर्गी को भी। तो इंशाल्लाह मज़ीद सेटअप पर चीज़ें लाएंगे, बीमारी की वजह से रुको हूँ, क्योंकि आजकल बीमारी फैली हुई है मुर्गियों में, तो इस वजह से, डर की वजह से नहीं ला रहा कि बाहर से किसी और परिंदे में आ गई या पहले वालों में जो आया वो किसी और में चली गई, तो मसाइल बनेंगे। इंशाल्लाह लाऊँगा साथ साथ। तो जो भाई न्यू है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।